ग्रेनाइट और गौरव की नगरी स्वर्ण नगरी नाम से प्रसिद्ध जालौर जोधपुर से 140 किलोमीटर अहमदाबाद से 340 किलोमीटर दूर स्वर्णगिरी पर्वत की तलहटी पर स्थित राजस्थान राज्य का एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है। जालौर शहर प्राचीन काल में जावलीपुर के नाम से जाना जाता था। जावलीपुर नाम महर्षि जावली की तपोभूमि होने के कारण कहा जाता है कि जालौर का नामकरण यहाँ पर जाल वृक्षों की अधिकता के कारण किया गया। जालौर महाराणा प्रताप की माँ जयंताबाई का पीर था। संस्कृत साहित्य के प्रखाट विद्वान शिशुपाल वध की रचयिता महाकवि माघ जालौर के भीनमाल निवासी थे। सीनी यात्री हेंसाग ने 7वीं सदी में भीनमाल की यात्रा की थी। जालौर प्राचीन व मध्यकालीन काष्ठ कला की कृतियां ग्रेनाइट घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लोनी नदी की उपनदी सूकड़ी के दक्षिण में स्थित जालौर पहले बहुत बड़ी रियासतों में एक थी। जालौर रियासत चित्तौड़गढ़ रियासत के बाद में अपना स्थान रखती थी। पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख रियासत थी। वे श्यार पहाड़ियों डोडासा नंदवाना काला पहाड़ और सोंदा पर्वत के लिए जाना जाता है। जालौर के राजकुमार वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के बीच प्यार की कहानी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध कहावत राय के भाव राते गया जालौर दुर्ग से संबंधित है। स्फुट वर्मा सिद्धांत की रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिष ब्रह्मगुप्त भी भीनमाल जालौर के थे। जालौर का सासौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। वर्तमान में सासौर को अलग जिला घोषित कर दिया गया है। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक जालौर के सासौर में स्थित है तथा राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा जालौर में स्थित है। जालौर का लेटा गांव खेसला उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा जालौर की कसीदा वाली जूतियाँ दुनिया भर में पहनी जाती है। जालौर एक शांत एवं सुसज्जित क्षेत्र है। यहाँ पर बाहर के जिलों के कर्मचारी ज़्यादा कार्यरत है। शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर साक्षरता दर 54.9% है जिसमें पुरुष साक्षरता 70.7% तथा महिला साक्षरता 38.5% है। जालौर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ की बात करें तो लूणी जवाई और सूकड़ी है। वर्ष 1956 में सूकड़ी नदी पर बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया था जो जालौर जिले के लिए लाइफलाइन है। जालौर की कुल जनसंख्या 18,30,151 है जिसमें 9,36,637 पुरुष और 8,92,099 महिलाएं हैं। जालौर में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 951 है। जालौर में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले पुरुषों की संख्या 172 है तथा जालौर का क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर है। जालौर जिला समुद्र तल से 268 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बीटन जलाशय प्रमुख जलाशय है। राजस्थान में नर्मदा नहर का पानी सबसे पहले 27 मार्च 2008 को जालौर के सीलू गांव में आया था। जालौर में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य थरकना शैली में मांगलिक वस्त्रों पर होता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। इस नृत्य के वाद्य यंत्र ढोल व थाली होते हैं। जालौर में होली के अवसर पर किया जाने वाला लुम्बर नृत्य भी प्रसिद्ध है। जालौर के रानीवाड़ा में लगने वाला सेवड़िया पशु मेला जिसमें काकरेस नस्ल के बैल एवं मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है। इस मेले में राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात आदि राज्यों के व्यापारी हिस्सा लेते हैं। बाबा रंगनाथपुरी पशु मेला भी सेवड़िया पशु मेले के समय सासौर में आयोजित होता है। अन्य मेलों में शिवरात्रि मेला आशापुरी माता जी का मेला शीतला माता का मेला सोंदा माता का मेला आदि जालौर के प्रमुख मेले हैं। यहाँ पर मनाया जाने वाला जालौर महोत्सव बहुत ही बड़ा देखने लायक होता है। जालौर जिले के आउर भीनमाल रानीवाड़ा सासौर बागोड़ा शीतलवाना सायला जसतपुरा भादराजून जीवाणा रामसिंह सरनाऊ आदि प्रमुख नगर है।
यहाँ की सासोरी गायें अपनी विशिष्ट नस्ल और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जालौर के भीनमाल में घोड़ा जीरा मंडी प्रसिद्ध है। जालौर इसबगोल और टमाटर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है और जालौर का भिडाना अनार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जालौर का सासोर अस्पतालों की बहुतता और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। देश में राजस्थान का पहला एचआईवी एड्स रोगियों का स्वयं का अस्पताल जालौर में है। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, वेलकम, राम राम।